एक और बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां बीजेपी सदस्यता अभियान की बैठक आज होगी। प्रदेश कार्यालय कुशभा ठाकरे परिसर में सुबह 11 बजे से ये बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी संतोष पांडे सहित सांसद विधायक बैठक में शामिल होंगे। दो सत्रों के आयोजित ये बैठक होगी। सदस्यता अभियान को लेकर बैठक में समीक्षा होगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य और आगामी कार्यक्रमों की भी बैठक में बिंदुवार तरीके से चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह, धरमलाल कौशिक बैठक में मौजूद होंगे। एक तरफ कांग्रेस में अगर बैठकों का दौर शुरू है तो वहीं बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है। यहां सदस्यता अभियान को लेकर खासा मंथन करती हुई पार्टी पिछले कुछ दिनों से नजर आ रही थी, लिहाजा आज बैठकें बीजेपी में भी होने वाली हैं सदस्यता अभियान को लेकर, जिसमें पूर्व की सरकार में रहे जितने बड़े नेता थे वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे। और मंथन इस बात को लेकर भी किया जा सकता है कि आखिर आगामी चुनाव यानी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए। हालांकि ये बातें ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो बैठक का मुद्दा रहने वाला है वो सदस्यता अभियान को लेकर रहने वाला है, जिसको लेकर इन दिनों काफी सीरियस मोड पर पार्टी नजर आ रही है। और लगातार हमारे साथ हेमंत शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। हेमंत, जैसा कि अगर कांग्रेस एक तरह बैठकें कर रही है तो वहीं बीजेपी कहीं पीछे नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी आज बैठकें होने वाली हैं जिसमें अहम मुद्दा सदस्यता अभियान रहने वाला है, क्या और अधिक जानकारी हेमंत? सदस्यता अभियान को लेकर जोर शोर से छत्तीसगढ़ वही लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो कर रही है। और उसी की समीक्षा के लिए यहाँ पर आज कुशभा ठाकरे परिसर जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर बैठक कार्य उसी की जो रही है, उसमें क्या वो सिंह जो प्रमुख रमन सिंह सहित जो प्रदेश अध्यक्ष है नेता प्रतिपक्ष तमाम जो सूचना है वो वहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि 18 तारीख को वहाँ पर जो राष्ट्रीय प्रभारी नेता दीपिका अभियान के खिलाफ वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर सदस्यता है न सिर्फ गली मोहल्लों में सदस्यता कर रही है, तो किसी की ओर प्रकार की यहाँ पर होंगे उसकी समस्या पर उसकी नगरी निकाय चुनाव में होने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयारी कर रही है। उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। उसका ध्यान ठीक है, चुनता है बैठक का, लेकिन महत्वपूर्ण नगरी निकाय का, क्योंकि बीजेपी नगरी निकाय के चुनाव बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव की भी अब जो तैयारी है उसकी शुरुआत करना चाहती है, तो इसी को लेकर आज बैठक में नगरीय निकाय का भी जो मुद्दा है वो जोर शोर से उठेगा। तमाम जो महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष आएंगे उनसे भी राय शुमारी की जाएगी। तो ये बैठक दो सत्रों में आयोजित होगी और दोनों सत्रों में जो तमाम दिग्गज नेता है, डॉक्टर रमन सिंह, विक्रम उसेंडी जी, धरमलाल कौशिक, वो इसमें मौजूद रहेंगे। जी हेमंत, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान को लेकर ये बैठक होगी, लेकिन इस बहाने लिए क्या हो सकता है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी खासी चर्चा इस बैठक में हो? देखिए निश्चित तौर पर बुसरा, क्योंकि इस बैठक में देखा जाए तो जो नगर निगम के महापौर हैं और नगर पंचायत और नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनको भी विशेष तौर पर इस बैठक में बुलाया गया है।
तो सदस्यता अभियान की समीक्षा के बाद वन टू वन चर्चा उन महापौर और नगर पालिका के नगर पंचायत के अध्यक्षों से होगी कि उनके क्षेत्र में किस तरह का माहौल भाजपा के पक्ष में है, क्या चीजें भाजपा को करनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय लेवल में किस तरीके से काम चल रहा है, क्या माहौल है, ये सिर्फ एक नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है वो बता पाएगा, नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो बता पाएगा, शहर की क्या स्थिति है, शहर में कितनी मजबूत बीजेपी है, इसको महापौरों से वन टू वन चर्चा की जाएगी। तो ये बैठक में बुलाने का आशय यही है कि नगरीय निकाय की भी तैयारी बीजेपी कर रही है, क्योंकि साल ज्यादा दिन बचा नहीं है और ऐसे में एक तरफ कांग्रेस देखा जाए तो अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाली है, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है और तमाम जो महापौर हैं और नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। निश्चित तौर पर तैयारी यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी की जाएगी। चलिए हेमंत, आप बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे।